बैठ सकते हैं क्या आगे खींच के? सबसे कैसे कमेंट्स मिले हैं आपको अपने प्रोमोस देखे जो कि बहुत अप्रिशिएटेड है? मैंने तो बता ही दिया कि मतलब कैसा कमेंट मिला था, बट ये है कि हाँ शायद ही कोई ऐसा बिरला होगा जिसने कि इस शो के बारे में सुना नहीं होगा या प्रोमो देखा नहीं होगा। जिस तरह से जिन जिन जगहों पे इसको प्रमोट किया गया, पूरा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म सारे के सारे भरे पड़े, तो मेरे ख्याल से अब वो हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि काम जो है वो और बेहतर तरह से करें, और जिस तरीके की शुरुआत जो हमें अभी तक देखने में आई है वो बरकरार रहे शो का। और मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि आपको थोड़ा जवान बंदा नहीं मिला दुल्हन बनने के लिए, लेकिन मैंने उनको कहा कि डैड की दुल्हन का कॉन्सेप्ट है तो हाँ। और दूसरी कमेंट मिली है कि आप लोगों ने जो ये मैच्योर लव स्टोरी दिखा रहे हैं, ये जो टीवी पे बहुत कम आता है, ये भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत मैसेज किया है कि आपने जो मैच्योर लव स्टोरी बनाई है वो बहुत अच्छा है, कमेंडेबल, और मियाँ को बहुत पसंद किया जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि बहुत क्यूट लड़की है, सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मियाँ आपकी बड़ी क्यूट है, आप प्लीज़ उसके साथ कोई फोटो पोस्ट कीजिए, सो दे कीप कॉलिंग मी फॉर हर। मेरा तो डेब्यू है तो ऑफकोर्स सब लोग बहुत एक्साइटेड है, सब खुश है, और काफ़ी रैंडम लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, सो आई एम लविंग इट। Concept because of the character, because you know what, I used to get a lot of offers for television, lekin acche acche shows ka concept, acche acche production houses ne mujhe approach kiye hain naye shows ke liye, lekin unki problem ye hoti thi ki shows ki story acchi hoti thi but as a character jo mujhe play karna hai agle saal do saal ke liye usme kuch khaas nahi hota tha, mujhe pata hota tha ki 2 ya 3 mahine mein main bore ho jaungi, to meri himmat nahi hoti thi aise concepts ko haan kehne ke liye, lekin ये मुझे पता है कि 3 महीने तक तो मैं डिस्कवरी करती रहूँगी कि इसमें करना क्या है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या निकलेगा, सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, सो आई हैड टू से यस फॉर दिस। जैसे आपने अपने कैरेक्टर के बारे में बताया कि काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप की है, सब चीज़ एकदम हैप्पीली देखती है, तो जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी उस तरह का रियल लाइफ में होना, तो क्या कहेंगे कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ये टास्क है आपके? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कई बार अभी जबकि हमने कितने सीन्स बीच में किए हैं, मतलब हम टेलीविज़न में जब नया शो बन रहा होता है तो हम फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड करके नहीं जाते, हम रैंडम सीन शूट करते हैं। रैंडम सीन्स में इतना डिफिकल्ट होता था कि इतना बड़ा क्राइसिस है उसके सर पे, लेकिन फिर भी वो हंसे कैसे, फेक ना लगे, इरिटेटिंग ना लगे, फिर कन्विंसिंग भी लगे, फिर मतलब वो रिटार्डेड ना लगे, ये सब सोच कर मुझे बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ा। मैं बार बार प्रीति को या दिया को फ़ोन ही करती रहती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो जब भी मैं शूट करती हूँ, दिया या फिर प्रीति या कोई ऐसा क्रिएटिव बंदा वहाँ पे रहता है ताकि मैं डर ना जाऊँ इस कैरेक्टर को लेकर, सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पोर्ट्रे। सर आप क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से जो मॉडिफिकेशन वाली बात है इसकी किस तरह से जस्टिफिकेशन मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा आप अपने ऐड ऑन कर देते हैं कमेंट्स या जो भी होते हैं डायलॉग, तो वो किस तरह से आप लेते हैं, कि किस तरह से मोटिवेशन दर्शकों को मिलने वाली है आपके डायलॉग्स की? यार मोटिवेशन का तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर एक बार समझ में आ जाए ना, तो हर कैरेक्टर का अपना एक लिंगो होता है, उसके बात करने का एक तरीका होता है, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि अब तो क्योंकि मैंने खुद भी करके देख लिया लिख लिखा के, और एयर भी हो गई ये चीज़, तो लिखने के बाद जो है ना कभी कभी आपको बिल्कुल डिसोसिएट करना पड़ता है अपनी लेखनी के साथ, अपने लिखे हुए मटीरियल के साथ, क्योंकि एक्टर जब एक्टिंग करना शुरू करता है तो ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग में आती हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शूटिंग करते हुए बदल जाती हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको देयर इज़ अ सर्टेन परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी दैट वन हैज़ टू मेंटेन। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं इधर उधर, कुल मिलाकर ये है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगना चाहिए। मतलब ये जो कैरेक्टर जो मैंने देखा है उसमें ये देखा है कि ये अनोइंग कैरेक्टर है लेकिन अनोइंग लगता नहीं, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगता है, इरिटेटेड रहता है लेकिन उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, तो ये यूनिक है अंबर के बारे में, सो आई थिंक दैट्स रियली नाइस। आपने क्या सीखा मैम, टेलीविजन के टॉप एक्ट्रेस है मैम, आपने बेचारी को सीखने का मौका ही नहीं मिला अभी तक, एक्चुअली हमारा इतना सीन्स हुए नहीं है, तो डैड के साथ ही ज़्यादा हुए, इनसे तो मैं इम्प्रोवाइजेशन सीख रही हूँ और
और थोड़ा और टाइप पे करूँ सर, शुरू हो जाए, प्लान करके आई थी जहाँ रुकना होगा मैं हाथ खड़ा कर दूंगा। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक सर्टन टोन में बोल रही हूँ तो उनके लाइक ही इज ऑलवेज सजेस्टिंग कि ये तो थोड़ा ऐसे कर सकती है, कभी स्क्रिप्ट से ही मार देंगे, नहीं ये ऐसा कर। सो आई थिंक इट्स आई एम लविंग इट क्योंकि इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं तो मुझे बहुत सीखने मिल रहा है, इट्स लाइक अ कोचिंग क्लास फॉर मी बेसिकली। बात ये देखो अल्टीमेटली जितने भी साल हम लोग काम करेंगे जो कुछ भी सीखा है हम लोगों ने अपने पहले वाले से वो साथ लेके जाके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, जो यहाँ से उठाया है उसको यहीं पे छोड़ के चले जाओ ज़्यादा बेहतर। एनीबडी वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट वेलकम, मतलब ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि मतलब जिनको ज़रा परेशानी होती है इस चीज़ से, लेकिन आई डोंट थिंक उससे डेटर होने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई आपका कमेंट या कोई एक सुझाव किसी को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकता है तो फिर क्यों ना किया जाए। कॉन्सेप्ट के बारे में ये कहना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इस देश में, हमारे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो आजकल सिंगल पेरेंटिंग ज़्यादा हो रही है साथ के बजाय, और हमारे इस सोसाइटी में एक और नोशन है कि 40 के बाद आपको प्यार हो रहा है, मतलब यू डेटिंग समवन एट 40, गेटिंग मैरिड एट 50, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक टैबू है कि अगर आपने अपना 25 साल क्रॉस कर लिया है, अगर आपने अपनी जवानी छोड़ दी है, सो यू कांट फॉल इन लव, व्हिच नीड्स टू यू नो पीपल नीड टू चेंज देयर यू नो द थिंकिंग अबाउट दिस प्लेस। एवरीबडी नीड्स कंपेनियन, एवरीबडी, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है तो यू कांट फॉल इन लव। सो आई थिंक हमारा शो आएगा तो कोई ऐसे 40-50 के लोग होंगे who might go out and find love। सबसे पहले तो यही बात कि 40-45 की उम्र के कैरेक्टर्स की कहानी है और उस उम्र के लोग जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ पे मतलब 20 के उठाते हैं और 40 के दिखाते हैं क्योंकि they don't want to show their actors old। So that is also मतलब कुछ एक जगहों पे तो एज लीप ले लेके कुछ एक कैरेक्टर्स की उम्र ऐसी हो गई थी कि मतलब भीष्म पितामह को गंडा बंधवा लेना चाहिए था उनसे। मैंने 25 पे 80 का प्ले किया था, सो आई वाज 25 व्हेन आई वाज प्लेइंग 80 इयर्स ओल्ड। सो दिखती है 80 किसी भी कोने से। रेवोल्यूशन नहीं है ये, एक मैं बात बताऊं यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए था। रेवोल्यूशन तो हम तब लेकर आ रहे थे जब 20-25 साल की लड़कियों को जो है हम 60-65 का दिखाना हमने शुरू किया था। कई चीज़ें जो है वो आपको एज जो है ना वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है, एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर कि ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाए, यू कांट बी प्लेइंग 80 और आपके सर पे खिजाब लगा हुआ है, आपकी स्किन पे आपकी उम्र नज़र नहीं आ रही है, वो तो वो झूठ था जो कि हम लोग बेच रहे थे इतने समय से। तो रेवोल्यूशनाइज तो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय के बाद जो है विजन या विजुअल्स जो है वो बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं करते, आप कुछ भी दिखाएंगे और लोग जो है उसको हाथों हाथ ले लेंगे। वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक्स कि जो कैरेक्टर जिस उम्र का है वो उस उम्र का कैरेक्टर है वही प्ले कर रहा है। तो एक्चुअली इसमें रेवोल्यूशनाइज करने वाली चीज़ नहीं, ये सच है जो हम लोग देख रहे थे वो रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश थी जो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक आधे घंटे पहले जब दिया कोर्ट से आई है वो कॉन्ट्रोवर्सी भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब हम केस जीत चुके हैं, हमारा शो 8-10 बजे ऑन एयर जाएगा बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के। आई वॉन्ट टू यू नो टेल एंड आस्क दोस पीपल कि लोग कहते हैं अच्छा दोबारा भी प्रॉब्लम, ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, कम से कम मुझ पे गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखते हो। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है वो मैं करूँ। और
कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं उनमें से आधे से आधा लोग होंगे घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है, उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू, सो आई डोंट वांट टू स्टे एंड आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल डू व्हाट इज राइट विदाउट केयरिंग व्हाट यू पीपल थिंक और व्हाट यू पीपल विल राइट अबाउट मी। और मैं, मुझे लगता है कि हाँ यू आर राइट, मैं एक ऐसा स्टैंड खड़ा करूँगी उन औरतों के लिए जो डरती हैं कि दोबारा अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई तो लोग क्या कहेंगे, वो कुड़ती रहेंगी, डरती रहेंगी, बच्चों को अच्छा ग्रोथ नहीं देंगी क्योंकि ये डर से कि पड़ोसी उनके बारे में क्या कहेंगे। सो लेडीज कम आउट ऑफ दिस पेन एंड डोंट केयर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। या प्लीज थैंक यू मैडम। चलो करवा दो।